हम ही तो इंडिया पाकिस्तान सॉल्व नहीं कर देंगे एक दिन, हम ये इन मैचेस को ही वर्थलेस कर दें एक दिन। हाँ। इतना प्यार फैल गया इस शो से दोनों मुल्कों के बीच में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में वो फील तो आ रही है यार। कुछ सांप मौजूद है ना जो अश्विन को क्रिटिसाइज करते रहेंगे। हाँ। जिसकी वजह से उस बेचारे को यूट्यूब चैनल बनाना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करने से अब डरता हूँ। ये तो मीडिया है तो जहरीला है, जहर है बहुत, हमने उगला कई बार। हे दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। और दोस्तों मेरा नाम है शुभम। स्वागत है आपका इन अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो। यशस्वी जायसवाल ने क्या तो टेस्ट डेब्यू किया है, 180 का शिखर धवन का रिकॉर्ड तो वो नहीं तोड़ पाए, बट मुझे लगता है वेस्ट इंडीज का ये बॉलिंग अटैक यही बेल्ट टू बेल्ट ट्रीटमेंट डिजर्व करता था जो इंडिया ने उनको दिया। बिल्कुल भाई, और क्या, पर पिच टफ थी टफ पिच पर। हाँ। मना है, बोला भी उसने, मैं तेज मार रहा हूं, जा ही नहीं रही है भाई। और उनके काफी स्टंप माइक वाली चीजें वायरल हुई। ईशान शर्मा ने बोला, ईशान किशन ने बोला, ईशान किशन का टेस्ट डेब्यू पे खाता खुल जाए उसके लिए इतनी सारी बॉल्स का वेट करना पड़ा। उस मैच में तो सब आए थे। हाँ, सब आए अपने टेस्ट स्किल्स दिखाने हैं। दिखाने हो रहा। विराट, राहुल द्रविड़ को जैसे सॉलिड डिफेंस करते देखते। हाँ, वो राहुल द्रविड़ को सच्ची होती सबकी श्रद्धांजलि। बट यशस्वी जायसवाल ने तो टेम्परामेंट दिखाया, शॉट्स की रेंज दिखाई, सब कुछ दिखाया। मतलब जहाँ अग्रेशन चाहिए था, ऐसा भी नहीं कि पुजारा की जैसे काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है कि कभी वो एक जोन में ही चले जाते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं। सब कुछ सही दिखाया, मुझे मैक्सिमाइज किया मुझे लगता है अपने चांसेस को। और अब जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन हो चुका है, तो वहाँ भी फिर एक तेज तरार 50 उन्होंने स्कोर की। हंगरी दिखते हैं वो, मतलब गुड स्टार्ट, एक जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन हमें चाहिए, कॉन्फिडेंस उन्हें टू अर्ली, मतलब कंपैरेटिवली इजियर ऑपोजिशन है, बट वी विश हिम द बेस्ट। कॉन्फिडेंस मिलेगा, अच्छा मिलेगा इससे आगे के टूर्नामेंट्स में वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और टीम में अपनी जगह को लेके सिक्योर फील करेंगे। और दुनिया, अच्छा बात है। दुनिया भर के फुटबॉल क्लब्स की जर्सी पहनने के बाद, ईशान किशन के साथ इंस्टाग्राम पे दुनिया भर की मस्ती करने के बाद, शुभमन गिल से रन क्यों नहीं बन रहे? नो अहमदाबाद नो पार्टी। यार सारे मैच अहमदाबाद में थोड़ी हो जाएंगे यार। व्हाट्स हैपनिंग विद शुभमन गिल, काफी फेलियर हो गया। आई डोंट नो, और बहुत ही ऐसा भी नहीं होता कि मैदान पे वो अच्छा कर रहे होते हैं। जैसे विराट कोहली का जब बैड फेस चल रहा था तो हम ये कहते थे शुरुआत अच्छी हो रही थी, पर फिर अचानक से कुछ गलती हो जाती है। शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई है दोनों मैचों में, और दोनों में ही ऐसा लगा है कि ये हमारा शुभमन गिल नहीं है, क्योंकि पिछले मैच में तो सबने यही कहा कि क्या तो चैट पैडिंग चली है भाई। चलिए बोल, नहीं सबने नहीं किया, रहाने नहीं की, रहाने कह रहा कि मैं जिन्होंने बोल दिया मेरे उनकी नहीं स्टेट पैडिंग मेरे इससे। रहाने ने तो सेकंड टेस्ट में भी नहीं करी, नहीं की, अभी भी नहीं कर रहे हैं वो आराम से अच्छी रहाने के ऊपर। जैसे ही वाइस रहाने, मुझे वो लगता है कि वो आते हैं और देखते उनको विकेट नहीं मिल रही यार, मैच मेहनत कर रहे हैं यार, इज अ गुड गाय। हां ये कितने यार इतना पसीना बहा रहे हैं, रुक जाओ बोल लेता हूं। हां आज तो स्टंप उड़े हैं वैसे बोल लो है, बट एशेज का भी टेस्ट मैच शुरू हो गया है और अभी खत्म तो नहीं होगा जब तक हम ये एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे, बट इंग्लैंड ने पेल दिया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया इसमें उन्होंने प्योर बस बॉल खेला सब किया है, भाई। और भाई तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया को, रख दिया तोड़ के। लेकिन ये अपने जो ताऊ हैं जेम्स एंडरसन, हो गया है क्या इनका? ताऊ का हो गया है, ताऊ का हो गया है, ताऊ का बादल भी बेनिफिट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर पा रहे ना उनका होम ग्राउंड, कुछ नहीं हो रहा ताऊ। मुझे लगता है कि हो सकता है अगले मैच में उनको फिर बिठा दिया जाए, और ये आखिरी खेल रहे हैं वो अपना, हो सकता है बिल्कुल। 600 टेस्ट विकेट हो गई हैं स्टुअर्ट ब्रॉड की भी, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका बहुत, मतलब जो इस तरह के हैं जिनके इतने सारे विकेट्स होते हैं उनमें काफ़ी पुअर स्ट्राइक रेट है, और मोस्ट ऑफ द विकेट्स इंग्लैंड में ही हैं। तो क्या ये इंग्लैंड के बॉलर्स का एक राय है कि इंग्लैंड में खेल खेल के लेजेंड बन जाते हैं और बाहर नहीं कुछ कर पाते? बाहर मतलब जैसे अश्विन का यही क्रिटिसिज्म, जबकि अश्विन का आउटसाइड एशिया वो ज्यादा पिछले कुछ सालों में एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों स्टुअर्ट ब्रॉड से अच्छा है, बट स्टिल जब बात होगी तो स्टुअर्ट ब्रॉड को ऐसे पेश किया जाता है और अश्विन को ऐसे कि ये तो घर का ही शेर, अपनी टीम वाले निकाल देते हैं उसको। एग्जैक्टली, जब तक ये कुछ सांप मौजूद है ना जो अश्विन को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, जिसकी वजह से उस बेचारे को यूट्यूब चैनल बनाना पड़ रहा है, जबकि अश्विन बैट से बॉल से भाई इज एज गुड एज एनीवन। बैट्समैन में देखे तो उसके ज्यादा सेंचुरीज हमारे मेन प्लेयर्स से। हाँ, वो तो मार देता है, क्योंकि टिक जाता है वो, फिर कहाँ वेस्ट इंडीज में उसके सबसे ज्यादा सेंचुरीज है, तीन चार है उसकी वेस्ट इंडीज के। तो ये जो है थोड़ा सा मतलब हुआ तो है इंग्लैंड के बॉलर्स का कि इतने है नहीं जितने बनाए जाते हैं अपने इंग्लैंड में, ये लोग तंग करते हैं। और इसीलिए मैं डेल स्टेन को इन सबसे ऊपर रखता हूँ, क्योंकि डेल स्टेन ओवर द इयर्स भाई नंबर वन टेस्ट बॉलर, किलर किलर, कहीं खिला लो उसको, अंदर से आग उगलता था, अच्छा सुंदर एक्शन, क्लीन एक्शन, एकदम बढ़िया सेलिब्रेशन दोनों तरफ, एवरीथिंग जो फास्ट बॉलर का एक एलिमेंट स्पीड जारी। हाँ, ड्रीम। एक और खबर आई इस हफ्ते, वो पृथ्वी शॉ से आई,
उन्होंने काउंटी क्रिकेट का कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इंटरव्यूज वगैरह दिए, और एक लाइन पे तो मेरा हो गया अस पृथ्वी भाई अस। उन्होंने भी वही आलोचना वाली बात है कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है और मैं सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करने से अब डरता हूँ। ये तो मीडिया है तो जहरीला है, जहर है बहुत, हमने उगला कई बार, हम भी तो उगलते हैं, मतलब हम पे पड़ता है तो उगल भी देते हैं और क्या। वही है जैसे अगेन हमारे एक दूसरे शो में हमने इस तरह की बात चलाई थी कि कैसे मोहम्मद सिराज विल नेवर बी एबल टू डेट समबडी लाइक जानवी कपूर, सेम गोस फॉर पृथ्वी शॉ। मतलब इस चीज पे गेम, एक लड़की से बात हुई भी तो फिर उससे दुपड़ दू हो गई थोड़ी देर बाद ही, जस्ट बिकॉज ऑफ, मुझे लगता है कि लुक्स, अगेन वही जो हमारी एक मुहिम है कि यार ये लुक्स, जो भी लड़कियां ये कहती हैं कि लुक्स डजंट मैटर, दे लायर्स, झूठी हो तुम और लड़के भी, लड़के भी झूठे हो तुम। हाँ, लुक्स तो मैटर करते ही, और पृथ्वी शॉ के केस में वही हो रहा है। बट अब मैं कहूंगा कि भाई पृथ्वी बहुत चित्री रीजंस हो सकते थे, तुम सबकी वजह से, मतलब पुलिस के, सलमान खान की लाइफ जी ली तुमने 24 साल की उम्र में कि वेरी टैलेंटेड बट धुप्पड़ धू के केस चल रहे हैं, बदतमीजी हो रही है, ये हो रहा है, यू हैव लिव्ड द सलमान खान लाइफ, अब टाइम आ गया शाहरुख खान लाइफ जीने का, थोड़ा काउंटी से जाके प्रूव करो, वापस आओ, कम बैक करो, कॉन्फिडेंस दो, मतलब हाँ इंडियन क्रिकेट को कॉन्फिडेंस वापस से दो। पृथ्वी शॉ अगर नहीं खेलेगा ना इंडिया के लिए, वो इंडियन क्रिकेट का नुकसान है। पृथ्वी शॉ का तो है ही जितना यार, है वो बढ़िया खिलाड़ी है यार, क्या शॉट मारता था यार, 6 बॉल में 6 चौके, और वही जिसके लिए हम संजू सैमसन की तारीफ करते हैं, इंटेंट से खेलता है, इंटेंट से खेलता है, अभी नहीं डरता पृथ्वी शॉ। तो आप आए वापस अपनी सारी चीजें साइड करके, जो आप में कमी है वो ओवरकम करके, बिल्कुल आप को भविष्य के तौर पे देखा गया है और देखा जा रहा है। एशिया कप का शेड्यूल भी अनाउंस हो गया है और इंडिया पाकिस्तान होने वाला है, एक मैच की तारीख आ गई है, दूसरे की है कि भाई ये ग्रुप टॉप करेगा या यहां तो से खेलेगा, तो वो भी दो मैच सेट तो है, होने दो वाले मैच गारंटेड है, अगर ऊपर वाले ने और जयशाह ने चाहा फाइनल भी हो जाएगा, वो भी एंटीसिपेटेड होगा ही होगा, इंडिया ने पिछले एशिया कप में नहीं हुआ था, इंडिया तो फाइनल होगा, इंडिया पहुंचेगी, पाकिस्तान का पता नहीं, इंडिया पहुंचेगी, पिछली बार हो गई थी इंडिया, इस बार पहुंचेगी, ठीक है। अफगानिस्तान से आपकी क्या उम्मीद है, 50 ओवर में पलट सकते हैं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान वही एक दो मैच का अपसेट मुझे लगता है, नहीं उनका ग्रुप ऑफ डेथ है भाई, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और बांग्लादेश वनडे क्रिकेट की बहुत डेंजर टीम हो चुकी है, अपने घर बुला बुला के सबको पेला है उन्होंने, तमीम इकबाल की रिटायरमेंट वापस करवाई है भाई उनके राष्ट्रपति ने, पोस्ट डिलीट करनी पड़ी है क्रिकेटरों को, मतलब एक्साइटिंग तो होने वाला है अब वनडे क्रिकेट में, मतलब नेपाल एक मेरे को थोड़ी हल्की टीम लग रही है, बाकी 5 टाइट टीमें हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, तो एक्साइटेड, और वहां से वर्ल्ड कप का माहौल भी शुरू हो जाएगा फिर, मतलब उस जोन में हम चले जाएंगे फिर, सिर्फ इतना डेज टू गो, ये वो सब काउंटडाउन शुरू हो ही चुका है भाई, और हाँ मतलब मजा वो, रोज कुछ ना कुछ नया नया आईसीसी डाल रहा है, शाहरुख खान के साथ वीडियो डाला है, और बात करें अगर वीडियो की तो भाई एमएस धोनी का एक और वीडियो आ गया, एमएस धोनी के 10-15 दिन में 2 वीडियो आ जाएंगे, मैंने नहीं सोचा था मैं इतने अच्छे दिनों की उम्मीद नहीं कर रहा था, विराट कोहली के सोशल मीडिया मैनेजर कांप गए, इस आदमी से कैसे टक्कर ले, इसकी वीडियो तो दूसरे के हैंडल से इतनी अच्छी चल जा रही है जितनी हमारी अपने से नहीं चल रही, नेक्स्ट लेवल वो वीडियो, और हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई वाई वेंकटेश प्रसाद एंड सुनील जोशी, मतलब वो गैंग ही है उनकी, वो उनको कैसे चांस मिल गया, वो लोग वहाँ क्या करने गए थे, वो करने गए उन्होंने चलो मोटरसाइकिल देखी, रिकॉर्ड करने दी, अरे रिकॉर्ड साक्षी भाभी ने किया है, हाँ। वो सवाल पूछ रही है, वो घुमा रही है पूरा, हाँ, 360 पूरा दिखा रही है, और धोनी इज लुकिंग इंटरेस्टेड, हाँ। तो ये क्या हो गया, क्या रिटायरमेंट पास आ गया, विल एमएस धोनी बिकम मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आई होप सो, मैं नहीं चाहता हो, मतलब इतने ही होंगे महीने का एक वीडियो, ऐसे ही महीने, दो महीने में एक वीडियो, महीने का एक, महीने में ज्यादा प्रेशर, कंटेंट प्रेशर ना, मैं चाहता हूँ भाई में कंटेंट प्रेशर, अरे फिल्म भी तो बनानी है उन्हें, प्रोड्यूसर भी तो होगा, 28 तारीख को उनकी फिल्म रिलीज हो रही है, फर्स्ट एज ए प्रोड्यूसर जो है धोनी एंटरटेनमेंट की। और फाइनली भाई बैंगलोर से भी एनसीए से खुशखबरी आ गई है, एनसीए 11 के सारे खिलाड़ी एक्शन में दिख रहे हैं, जसप्रीत बुमराह ने फाइनली फुल रन अप से बॉलिंग डाल दी है, और केएल राहुल ने नेट्स में शॉटे लगा दिए हैं, श्रेयस अय्यर ने गाने के साथ वीडियो लगा दी है बैटिंग करते हुए, और ऋषभ पंत की भी वीडियो आई है यार, एक मतलब मैं अब ये सब पूछ रहा हूँ क्या वो चमत्कार होगा, वो जैसा कि मेडिकल साइंस में डॉक्टर साहब अंदर से डॉक्टर यही है कि ये मेडिकल साइंस में पहली बार ऐसा हुआ है, किसी पेशेंट में इस तरह की रिकवरी हमने पहली बार देखी, शुभ यार ऋषभ पंत आ गया तो टीम ही बदल जाएगी हमारी, मिडिल ऑर्डर में एक ऋषभ पंत आ गया ना, मतलब देखो कीपर सॉर्टेड, सब सॉर्टेड, बैट्समैन सॉर्टेड, चलो वो ना भी करे थोड़ा भी अगर उसको उतनी, मुझे लगता है हाँ ठीक है आप बॉलिंग बैट्समैन में बहुत वो चाहिए, हां एज ए बैट्समैन, बैट्समैन में आप तो भागने नहीं ऋषभ पंत को,
वो तो अपने 30-40-50 इधर उधर आगे पीछे पर वही मेडिकल साइंस में चमत्कार करना पड़ेगा यार, कर दे हो जाएगा यार ऋषभ पंत का चमत्कार। अभी वो वाला एक ही डॉक्टर ये कर सकता है कबीर सिंह। लेकिन अच्छी खबर ये देखने में जसप्रीत बुमराह के लिए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बुमराह की कमी हमें पिछले कुछ काफी टाइम से नहीं थी, जब सिराज ने अच्छे से और शमी ने वो कर लिया था, लेकिन अब कुछ टाइम में हमें चाहिए भाई, वनडे में तो 30 ओवर कड़क चाहिए यार। बिल्कुल वो चाहिए, तो जसप्रीत बुमराह कमबैक करे। और अब लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। यस, अब समय आ चुका है दोस्तों फैन मेल्स पढ़ने का। आज सीधा आपके लेटर्स पढ़ेंगे, उन पे चर्चा हम करेंगे। पहला आया है भाई आफताब अली का, सीधे शिकागो से। वोहू! तो अगले साल T20 वर्ल्ड कप में शायद हम आफताब भाई के घर रुक रहे हो। ठीक है, आफताब भाई ने लिखा है, शुभम राजेश, माय नेम इज आफताब, आई रिसेंटली शिफ्टेड टू शिकागो ताकि मेरे भाई आए और वो मैच देख सकें, शायद ऐसा ही है भाई इनका। एंड आई हैव 12 ईयर्स ऑफ क्रिकेट वॉचिंग एक्सपीरियंस, लव यू ब्रदर, दैट्स हाउ यू डिफाइन योर सेल्फ। यू टॉक्ड अबाउट राहुल द्रविड़ नॉट डिलीवरिंग एज द हेड कोच ऑफ द सीनियर टीम इवन दो ही वॉज अ ग्रेट कोच फॉर द अंडर-19 टीम, वॉट डू यू थिंक इज द रीजन? इज इट बिकॉज हिज डिसीजंस आर बीइंग ओवरपावर्ड इन द सीनियर टीम और इज इट समथिंग एल्स? वॉट डू यू थिंक हैज बीन द रीजन फॉर सच चेंज रिजल्ट्स? सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट राजेश, क्या लगता है आपको कारण क्या है राहुल द्रविड़ के फेलियर का? मुझे लगता है कि विराट कोहली और रवि शास्त्री के अंडर जो टीम खेल रही थी एक अलग अप्रोच के साथ खेल रही थी, सारे प्लेयर्स अलग अप्रोच के साथ खेल रहे थे। राहुल द्रविड के आते ही मुझे लगता है कि वो अप्रोच चेंज करने के लिए बोला गया उन्हें, या उनको बोला, हर कोई अपनी स्ट्रेटेजी के साथ आता है। मुझे लगा वो जो शिफ्ट होना था ना वो शिफ्ट में मुझे तो इतना ये वो नहीं हो पाया, प्लेयर्स थोड़े फैल गए। हाँ। टीम के अंदर वो आपसी कलह सबको पता है हो गई, विराट कोहली का जो भी सीन हुआ, दादा का जिसका साथ भी हुआ, जाने लग गए, जो भी हुआ वहां पे पोलो पढ़ने लग गए, उस जो पूरी भसड़ मची ना राहुल द्रविड़ एज अ कोच उस भसड़ को संभाल नहीं पाए और उसका असर टीम के परफॉर्मेंस पे गिरा। मुझे लगता है कि ना पूरा ये टेन्योर ही बड़ा मेक शिफ्ट सा है, जैसे जब कोहली आए तो बड़े 2015 में आया कि भाई अब 19 का वर्ल्ड कप तेरे को जिताना है, इनफ टाइम मिला, सब कुछ मिला, ट्रांजिशन बहुत स्मूथली हो गया ना। ये 2021 में कोच बने, फिर 22 का T20 वर्ल्ड कप सामने खड़ा था, एक साल में कुछ नहीं कर पाए, कोविड का जो दौरान दो साल गए ना, क्रिकेट इतना ज्यादा हुआ, डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी नहीं हुई, नए क्रिकेटर्स हमें नहीं मिले, 22 का वर्ल्ड कप आधा अधूरा सा ऐसे ही बिना प्रिपेयर के हम गए। और राहुल द्रविड़ के अंदर एक चीज सबसे ज्यादा लग रही है जो अब मैं देखना चाहूंगा कि अजीत अग्रवाल के आने से वो हुआ है कि थोड़े फैसले आगे की तरफ लिए जा रहे हैं, वरना गोइंग बैक टू दिनेश कार्तिक इन अ वर्ल्ड कप ओवर ऋषभ पंत, गोइंग बैक टू रवि अश्विन ओवर यूजी चहल, ये इतने पीछे लेने वाले कदम है ना जो मुझे समझ नहीं आते ऑनेस्टली। टीम सिलेक्शन, प्लेइंग 11 का सिलेक्शन, ये बहुत फक्ड अप रहा है। और समस्या पर आप बेंच, आप नए प्लेयर्स बोल्ड डिसीजन नहीं लेते, राहुल द्रविड़ नहीं लेकर गए, आप खेलते हैं वो। इतने प्लेयर्स को लेकर गए, बेंच कराया या अलग टीम्स में खिलाया और फिर उनको मौका ना देके निकाल दिया, तो वही एक तो विजन में गड़बड़ी, किसको अगले 2023 वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहे हैं, कौन से प्लेयर्स होंगे जो उस टीम में बनेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा तो नहीं होता कि यही सेम प्लेयर 11 ने 19 खेला वही 11 वहां रहेंगे, सबको पता था MS धोनी जाने वाले हैं, तो क्यों ना MS धोनी के ऑप्शंस बनाए जाते, ऋषभ पंत था आपके पास चलो ठीक है, लेकिन क्यों एक के भरोसे जबकि ऋषभ पंत वाइड बॉल में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था तब भी, तो वो एक विजन में गड़बड़ हो गई। तुमने बोला वो भी सही है कि बोर्ड वाली भसड़ भी काफी हो गई, वो रही है वो, मतलब वो सब हिल गया, संभाल नहीं पाया उसको, तो वो सारी भसड़ भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है। अगला ईमेल जो है हमारा भाई, ऐसा हो गया है ईमेल हमारा फुल NRI, बिल्कुल। तो गौरव गुप्ता है, नाइजीरिया में जॉब करते हैं, स्टे सेफ ब्रदर, वो लोग फ्रॉड बहुत करते हैं। कोई भी कॉल आए लोकल नंबर देख के भी आपको तो नहीं उठाना है। हाय शुभम राजेश, मेंस एक्सपी को फॉलो कर रहे हैं, क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं 1985 से, वेरी सीनियर क्रिकेटिंग, ये तो दादू। हाँ। दादू में भाई गौरव जी तो मतलब और कितने इनका 38 सालों का अनुभव है भाई इनका क्रिकेट देखने का, बहुत ज्यादा इस गौरव दादू सर। क्या कह रहे हैं गौरव दादू भाई? कह रहे हैं कि सम मेमोरीज, आई वाज इन क्लास 10 ड्यूरिंग द 1992 वर्ल्ड कप, बोर्ड एग्जाम्स वाज ऑनगोइंग, आई रिमेम्बर प्रेइंग टू गॉड, भगवान इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, मैं फेल भी हो जाऊं तो चलेगा, इंडिया हार गया मैं पास हो गया, चलो ठीक है आपने कुछ खोया नहीं। व्हेन आई वॉच टीम इंडिया प्ले इन अ स्टेडियम इन वाइट बॉल, आई हैव प्रूव टू बी
पनौती फॉर देम। तो भाई नाइजीरिया ही रहना इस वर्ल्ड कप में फिर आपको, भाई आपको नहीं मैदान के आसपास भी नहीं जाना, गुजरना भी नहीं है। इन्होंने आगे मैचेस बताए भी हैं, तीन मैच देखे इन्होंने, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 1991 ओडीआई जेएलएन स्टेडियम इंडिया लॉस्ट, 1996 में इन्होंने सीडब्ल्यूसी देखा कोटला में, श्रीलंका से इंडिया लॉस्ट, इंडिया बांग्लादेश देखा इन्होंने 2019 कोटला में, इंडिया लॉस्ट। ये इन्होंने खुद लिखा है कि मैं 2023 का कोई मैच नहीं देखने वाला हूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत सही किया है आपने। और तूने कौन कौन से मैच देखे जो इंडिया जीती है? मेरे को याद है मैंने धोनी का लास्ट T20 जो उसने दिल्ली में खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ वो देखा था और हार गए थे। मैंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक वनडे देखा है और एक टेस्ट मैच देखा है, ये विराट कोहली वाला ऑस्ट्रेलिया वाला भी रिसेंट जो टेस्ट मैच हुआ था जीत गए थे। मैं नहीं बोल सकता भाई कि मैं स्टेडियम जाता हूँ तो मेरी टीम हार जाती है, निकाल देगी एलएसजी मुझे बाहर, मेरा तो घर इससे चल रहा है, मैं कभी ऐसे आंकड़े सामने नहीं आने दूंगा कि मैं पनौती हूँ। अगला है जय का, जम्मू एंड कश्मीर से, और वो लिखते हैं कि शुभम राजेश मैं जय हूँ, मेजर इन आर्मी, स्टैंड अप, आई एम प्रेजेंटली डिप्लॉयड ऑन इंडो पाक LOC, सिंस आई एम फ्रॉम UP आई एम अ बिग फैन ऑफ राजेश स्टोरीज, आई ऑलवेज कनेक्ट विद यू, सर्विंग द आर्मी मैन, आर्मी सर्विंग द नेशन, यू आर सर्विंग आर सोल्जर्स, थैंक यू सो मच, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। काके और अदर्स की कहानियां उन्हें बहुत पसंद आती है भाई, एट माई आउटपोस्ट एवरी जवान इज अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट बट नाउ सिंस आई हैव शोन देम द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो दे कीप वेटिंग फॉर योर एपिसोड, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुड यार। ये लेटर तो पूरा विद That song in the background बजना चाहिए। वो ना भी बजेगा, मेरे दिमाग में बज रहा है। मेरे दिमाग में बज रहा है यार, मैं सैनिकों को सर्व कर रहे हैं यार हम। बस। उनको भी हो रहा है कि हमारा एपिसोड नहीं। अब मेरे को चाहे 50 एपिसोड बनाने पड़े हैं, दुनिया से लड़के। मैं बनेंगे भाई। मैं बनाता रहूँगा भाई। कोई भी हमारा एडिटर अब ये इंश्योर करे कि वीडियो लेट ना हो, क्योंकि हो सकता है कोई जवान इसका वेट कर रहा हो। गुड यार, when there is a match, we have to go to a specific point where the network is enough to enjoy the match. There is a mutual understanding between us, Indian troops and Pak troops, that on the day we have a match, they do not finger us and we do not finger them on the days Pak matches. क्या बात है? This is real Aman की आशा। तो बहुत बढ़िया सर, आप कभी कोई एक फोटो भी अगर अपने बटालियन का, टुकड़ी का, जो भी आपकी है, जो लोग सब साथ में देखते हैं, तो वो भी, या कोई छोटा सा वीडियो मैसेज भी अगर हमें भेज दें। बिल्कुल भेजें हमें आप। बहुत अच्छा हमें लगेगा। We would like to No more from you and हम इतने खुश हैं कि भाई गदगद हो गए। गदगद हो गए यार, अब इससे बड़ा क्या होगा हमारे लिए। हो गया कॉम्प्लीमेंट। देश, आर्मी देश की सेवा कर रही है, हम आर्मी की सेवा कर जितना हम कर सकते एंटरटेन कर रहे हैं यार। बिल्कुल, और क्या। वाह यार, मजा आ गया। अगला जी आया है सरहद पार से। ये अच्छा, मुझे लग रहा है सरहद पार भी हम पॉपुलर हो रहे हैं। बिल्कुल, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। बारिश फारूक है। बारिश भाई, पहले तो बताओ सीमा हैदर का क्या सीन है यार, ये क्लियर करो आप अगले लेटर में। पहले तो हमें वहाँ के वीडियो भी मिल रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि वो टिकेगी नहीं किसी के पास भी। बहुत अच्छी रैपो उधर भी नहीं है उनकी, बताओ। हेलो गाइस, आई एम मारीज फारूक फ्रॉम पाकिस्तान विद 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग क्रिकेट। ये हुई ना बात, माय मैन, ये हुई ना बात, ये फैल चुका है उधर भी। लोग अपना एक्सपीरियंस अब ऐसे ही साझा कर रहे हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ मेंस एक्सपी एंड हैव बीन फॉलोइंग द चैनल फॉर 4 इयर्स। मारीज भाई, योर फैमिली नाउ। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन बाबर आजम्स बैटिंग? Do you in all honesty believe Babar Azam can become a modern day great? Will he be amongst the highest run getters at 2023 World Cup? Can he break the record of Rohit Sharma of most centuries in a single World Cup? ये तो रोहित शर्मा नहीं तोड़ पाएगा। ये वो तो थोड़ा सा मुश्किल है, but one day cricket और test cricket तो definitely Babar Azam को suit करते हैं, उनके style of play को। लेकिन वही, जैसा कि अब हम पहले पीछे भी बात कर रहे थे, Babar Azam को अभी ये prove करना पड़ेगा tough conditions में match winning knocks। जितने भी उनके रन आए हैं वो रैंकिंग में टॉप पे हैं, सब कुछ हैं, बट बड़े अपने कंफर्ट जोन में आए हैं। ऑस्ट्रेलिया जाके रन करने, न्यूजीलैंड जाके रन करना, एक बार नहीं बार बार करना, टफ सिचुएशंस में रन करना और टीम को जिताने वाले, हाँ टीम को जिताने वाले रन इनका। आई थिंक 2019 में भी थे, बट ऐसी कोई ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस आई नहीं थी वर्ल्ड कप में। बट अब जैसे बिग स्टेज है तो यहाँ पे बाबर आजम प्रूव करें। 2023 वर्ल्ड कप है, एशिया में वर्ल्ड कप होने वाला है, बहुत अलग पिचेस मुझे लगता नहीं पाकिस्तान की। नहीं, नहीं, पिचेस चलो हो भी जाए, लेकिन वो कंडीशन सेम रहेंगी, बहुत सेम रहने वाली है। करेंगी वनडे क्रिकेट करेंगी और सपोर्ट उनको यहाँ मिलेगा अगर इंडिया से मैच नहीं होगा तो। रन्स तो बन सकते हैं, लेकिन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। और जहाँ तक रही बात मॉडर्न डे क्रिकेट की, तो वही उनको टफ सिचुएशंस में मैच विनर बन के निकलना होगा, तब वो बनेंगे। अभी रन्स किए बट बहुत फेवरेबल सिचुएशंस में किए, जगह बनाना शुरू कर दिया है। अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट में अच्छे प्लेयर्स के नाम लिए जाते हैं तो बाबर आजम का नाम उनमें लिया जाने लगा है, तो लेकिन सिर्फ वही कि आप उनको बड़ी टीम्स के खिलाफ बड़े मुश्किल कंडीशंस में
रन बनाने जिताने होंगे। तो बढ़िया मारिस भाई, बॉर्डर के इस पार से जवान भेज रहे हैं, उस पार से मारिस भाई भेज रहे हैं, कहीं हम ही तो इंडिया पाकिस्तान सॉल्व नहीं कर देंगे एक दिन, हम ये इन मैचेस को ही वर्थलेस कर दें एक दिन। हाँ। इतना प्यार फैल गया इस शो से दोनों मुल्कों के बीच में। गुड यार, गुड गुड, ये अच्छा लग रहा है उधर से भी। मतलब मैं कल को जैसे हमारे जो जवान ने उन्होंने बताया था कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के दिन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मैं चाहता हूँ हमारी वीडियो के आने के बाद भी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलो आज वीडियो आई यार, आज वीडियो आई, हम सब वीडियो देखेंगे। आज कोई सीज फायर वीज फायर कुछ नहीं रहेगा, सीज फायर आज रहेगा, नॉर्मल रहेगा सब, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम तो रोज वीडियो बनाए, मैं तो नहीं हूँ इंसानों में वो फील तो आ रही है यार। यस, बहुत मजा आया हमें आज के एपिसोड करके, लेटर्स हमने आपके पढ़े, ऐसे ही आप हमें भर भर के चिट्ठियां लिखें, और चिट्ठियां इस ईमेल आईडी पे लिखनी, और तरीका ये अपने बारे में बताएं, कितने साल से आप क्रिकेट देख रहे हैं वो बताएं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, छोटे दो लाइन अपने बारे में लिख दें, फिर आगे अपनी बॉडी ऑफ ईमेल लिखें। कोई मैच हमसे डिस्कस करना है, कोई सवाल हमसे पूछना है, वी आर ओपन टू एवरीथिंग। आज कुछ और सेगमेंट नहीं हुए, जरा क्रिकेट अभी फॉर्म में आ जाए, कुछ हो जाए, थोड़ा हो जाए। आज फेस ऑफ का टॉपिक भी ले लेके क्या था, कौन ज्यादा अनफिट है, श्रेयस अय्यर ज्यादा अनफिट है या केएल राहुल ज्यादा अनफिट है, इसमें क्या ही बहस, क्या ही बहस करते हैं दोनों एनसीएल11 किसकी रील अच्छी लगी। अभी जरा मैच शुरू हो जाए, माहौल शुरू हो जाए, अभी एशिया कप में रंग जमेगा भाई, जमेगा। एक अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो सईद अजमल की भी आई। सईद अजमल 3 साल लीडिंग विकेट टेकर रहा। हाँ, उसने बोला, उसने बोला कि यार मैं इंडिया से खेलता होता ये मेरा सारा एक्शन क्लियर करा देते, सब मेरे बोर्ड ने मेरा। और उसका डिफरेंस इतना था कि सईद अजमल के कुछ 350 राउंड विकेट, अगले वाले के 186 थे। हाँ, ये तो होता पाकिस्तान में, ये तो रहा है कि वहाँ के वजीर आला हो या वहाँ के अच्छे प्लेयर हो, वो ज्यादा देर उनको चलने नहीं देते। बट ठीक है, हमें बहुत मजा आया आपके फैन मेल्स पढ़ के, और बाकी के सेगमेंट्स भी होंगे अगले एपिसोड में। जैसे जैसे एशिया कप करीब आएगा, इंटेंसिटी हमारी बढ़ेगी, मजा आएगा हमें, क्रिकेट सीजन एक आने वाला है, एशेज का भी फैसला होने वाला है, मजा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब, साइनिंग ऑफ, यस, जय हिंद।